Hello everybody, welcome to Within and Online. This is day 18 and today we are going to complete the theory portion of refraction. So, abhi tak humne refractive index tak padh liya tha till day 17. So, aaj hum kya karenge? Aaj hum padhenge spherical lenses ke bare mein aur padhenge ray diagrams ke bare mein aur also unke uses ke bare mein. Theek hai? So, let's start with the session. So, pehli baat convex lens hota kya hai? सो बेसिकली जो जितने भी लेंसेज होते हैं वो बनते हैं दो स्फेरिकल सरफेस से. ठीक है, तो लेंस क्या, इट्स अ पीस ऑफ अ ट्रांसपेरेंट ग्लास बाउंड बाय टू स्फेरिकल सरफेसेस. ठीक है, अब इसमें क्या है, जैसे हम बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस की, तो आपको पता है कि कुछ इस तरीके से बनता है ना. तो एक्चुअली में होता क्या है कि यहाँ पे एक सर्फेस होता है, स्फेरिकल सर्फेस होता है ये वाला एक, और दूसरा स्फेरिकल सर्फेस होता है ये वाला. ठीक है, सो टू स्फेरिकल सर्फेसेस आर रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू मेक अ कॉन्वेक्स लेंस. अब कॉन्वेक्स लेंस का मतलब है कन्वर्जिंग लेंस. कन्वर्जिंग लेंस क्यों, क्योंकि जितने भी रेज ऑफ लाइट फॉल करती है कॉन्वेक्स लेंस पे, इट टेंड्स टू कन्वर्ज, वो मिलती हैं, एक दूसरे से मिलती हैं, एंड दैट इज व्हाई कॉन्वेक्स लेंस इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस. दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जो आपका कॉन्वेक्स लेंस है उसके मैक्सिमम आपके रे डायग्राम्स हैं, क्योंकि यहाँ पे जो रेज ऑफ लाइट एक्चुअली में कन्वर्ज करती है, मीट करती है, दैट इज व्हाई यू हैव मैक्सिमम रे डायग्राम्स एंड कॉन्वेक्स लेंस. ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस होता क्या है. तो कॉन्वेक्स लेंस का जो ये यू नो आउटर एज जो ये वाला पार्ट होता है ये तो थिन होता है, और बीच वाले पार्ट से ये कैसा होता है, इट इज थिकर. ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इनकी क्या क्या चीजें होती हैं कॉन्वेक्स लेंस में. तो कॉन्वेक्स लेंस की अगर हम बात करें तो कॉन्वेक्स लेंस का जो सेंटर होता है उसे हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर. सो ऑप्टिकल सेंटर इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द लेंस. यहाँ पे जो ये लाइन यू नो पास करती है ऑप्टिकल सेंटर से, उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस. तो प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ लेंस इज अ लाइन पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस. ओके, अब क्या होता है, सपोज आपके पास ये बीम ऑफ लाइट है, तो आप क्या करो यहाँ पे ना, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करना, यू नो डॉटेड लाइन ड्रॉ करना, और यहाँ पे हमने बीम ऑफ लाइट शो करी. बीम ऑफ लाइट मतलब ग्रुप ऑफ रेज ऑफ लाइट, उसको बीम ऑफ लाइट हम कहेंगे, विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. तो जब ये लेंस से बाहर निकलेगी तो क्या होगा, इट विल कन्वर्ज. तो ये कन्वर्ज करके ये जिस पॉइंट पे मीट करती है उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस. तो बेसिकली क्या होता है, जो आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है उनके दो फोकस होते हैं, उसे हम कहते हैं फोकाय. तो एक फोकस तो आपका राइट हैंड साइड पे होता है और एक आपका लेफ्ट हैंड साइड पे होता है. ठीक है, अब हम एक बात करते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस से हम किन किन तरीके की इमेजेस ऑब्टेन कर सकते हैं. सो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ इमेजेस विद कॉन्वेक्स लेंस. तो पहला क्या है, पहला है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर आपका ऑब्जेक्ट रखा है, तो सबसे पहले आप ये कॉन्वेक्स लेंस बना लो. ठीक है, ये लेंस बना लिया, यहाँ पे इसका सेंटर है ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पे एक प्रिंसिपल एक्सिस है. देखो मैं इसको ड्रॉ कर रही हूँ विदाउट रूलर एंड स्केल यहाँ पे, तो इट्स नॉट कमिंग स्ट्रेट बट यू हैव टू ड्रॉ इट ऑल स्ट्रेट. ठीक है, तो यहाँ पे आपने एक एफ डैश और टू एफ डैश मार्क किया, और यहाँ पे एफ एंड टू एफ. ओके, अब ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे है, इसका मतलब है कि रेज ऑफ लाइट कैसी है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. तो यहाँ पे हमने रेज ऑफ लाइट बनाई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. देखो मिनिमम आपको टू रेज ऑफ लाइट चाहिए ही चाहिए इन ऑर्डर टू शो दैट यू नो द रेज ऑफ लाइट आर कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, रेज ऑफ लाइट आर कन्वर्जिंग, तो यहाँ पे आके ये बेंड करती है टूवर्ड्स फोकस, अगेन यहाँ पे भी टूवर्ड्स फोकस, और फोकस पे आपको इमेज मिलती है. तो ये इमेज कैसी होती है, खुद देखो कैसी इमेज है, इट इज हाईली डिमिनिश्ड. डिमिनिश्ड नहीं है, इट इज हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी आपको इमेज ऑब्टेन होती है अगर आपका ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, एट इन्फिनिटी. दूसरी बात, क्योंकि रेज ऑफ लाइट एक्चुअली में मीट कर रही है, इसका मतलब है कि जो इमेज बनेगी दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड. ओके, इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट मत फॉलो करना कि मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे बन रही है, राइट हैंड साइड पे बन रही है, सिर्फ रेज ऑफ लाइट एक्चुअली में मीट कर रही है, दैट इज वाई जो आपकी इमेज है दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड. और उसकी पोजिशन कहाँ है, पोजिशन इज एट फोकस. तो ये प्रॉपर्टीज है उन इमेजेस की जब ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे है. अब नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो क्या होगा. सो इफ ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, तो अगेन यहाँ पे हमने सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस बनाया. ओके,
और यहाँ पे हमने प्रिंसिपल एक्सेस, देखो आपको न्यूमेरिकल के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप रे डायग्राम्स अच्छे से पक्के कर लो, एग्जाम में पूछा जाए नहीं पूछा जाए, अगर न्यूमेरिकल है तो रे डायग्राम हमें बनाना ही बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है आपका फोकस पे रखा है, ए भी आपका ऑब्जेक्ट है विच इज एट फोकस, तो क्या हुआ, पहले पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एक रे ऑफ लाइट गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड इट पासिस थ्रू फोकस, और दूसरी रे ऑफ लाइट अगर ऑप्टिकल सेंटर से कोई भी रे ऑफ लाइट जाती है सो इट गोज अनडेविएटेड, सो अगर कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है तो वो उसी पाथ को फॉलो करते हुए आगे बढ़ जाती है, तो यहाँ मीट करने के कोई चांसेस ही नहीं क्योंकि ये रेज ऑफ लाइट दोनों पैरेलल हैं, तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज विल बी एट इन्फिनिटी। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि अगर आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज कैसी बन रही है, इमेज बहुत दूर बन रही है एंड इट विल बी हाईली इनलार्ज्ड, इमेज विल बी हाईली इनलार्ज्ड। दूसरी बात क्या है कि इमेज बन कहाँ रही है, इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, ओके, एंड कैसी बन रही है, इट इज रियल एंड इन्वर्टेड, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, ओके। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट रखा है बिटवीन एफ डैश एंड टू एफ डैश, तो सबसे पहले अगेन यहाँ पे हमने लेंस बनाया, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर है जो कि सेंटर है लेंस का, यहाँ पे हमने मार्क करा एफ डैश टू एफ डैश और यहाँ पे मार्क करा एफ एंड टू एफ। देखो जो डिस्टेंस आप लोगे ना वो ये वाला डिस्टेंस, सपोज ये टू सेंटीमीटर आपने लिया ये डिस्टेंस, तो यहाँ पे ये टू सेंटीमीटर होगा, सिमिलरली यहाँ से यहाँ ये टू सेंटीमीटर होगा और यहाँ से यहाँ टू सेंटीमीटर होगा, ओके। सो अब भी आपका जो ऑब्जेक्ट है ये यहाँ रखा हुआ है बिटवीन एफ डैश एंड टू एफ डैश, तो ये आपने लिखा ए बी। सो पहला क्या होगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड देन इट पासिस थ्रू फोकस, ओके, और दूसरा क्या होगा कि ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा और पास करने के बाद इमेज कहाँ बनेगी, इमेज कहाँ बनती है, कॉनकेव मिरर के केस में बियॉन्ड टू एफ ना, तो यहाँ पे भी बियॉन्ड टू एफ आपकी इमेज बनेगी, दिस विल बी ए डैश बी डैश, ओके। अब इमेज कैसे बन रही है, इमेज बड़ी बन रही है ना, सो इमेज इज एनलार्ज्ड। दूसरी बात जो इमेज बन रही है उसमें रेज ऑफ लाइट एक्चुअली में मीट कर रहे हैं, दैट इज व्हाई इट इज रियल एंड इन्वर्टेड, और पोजिशन कहाँ है, पोजिशन इज बियॉन्ड टू एफ, ओके, बियॉन्ड टू एफ। अब हम बात करेंगे कि बियॉन्ड टू एफ अगर ऑब्जेक्ट रखा हो तो क्या होगा, तो ऐसे ही जस्ट इसका वाइसा वर्सा वाला केस है, ठीक है। तो अगर बियॉन्ड टू एफ डैश आपका ऑब्जेक्ट रखा है तो अगेन यहाँ पे हमने कॉन्वेक्स लेंस बनाया इस तरीके से, और यहाँ पे आपने लिखा एफ डैश टू एफ डैश, यहाँ पे आपने बोला अगेन एफ एंड टू एफ, ओके। तो ऑब्जेक्ट रखा है बियॉन्ड टू एफ डैश, मतलब यहाँ रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो पहले क्या होगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड देन पासिस थ्रू फोकस, ओके, एंड नेक्स्ट इट विल बी कि ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है ओ, तो नेक्स्ट जो रे ऑफ लाइट होगी वो आपका ऑप्टिकल सेंटर से पास करती हुई ये यहाँ पे और ये इस तरीके से ये मीट करेगी इधर, ठीक है। तो दिस विल बी ए डैश बी डैश, जब आप इसको ड्रॉ करोगे विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड प्रॉपर मेजरमेंट, सो यू विल गेट द इमेज बिटवीन एफ एंड टू एफ, और इमेज कैसी होगी, इमेज विल बी डिमिनिश, छोटी इमेज होगी, ठीक है, डिमिनिश्ड होगी, और कहाँ बनेगी, इट विल बी बिटवीन एफ एंड टू एफ, और दूसरी बात कैसी इमेज होगी, इट विल बी रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड क्यों, क्योंकि रेज ऑफ लाइट एक्चुअली में मीट कर रही है। अब बात करते हैं कि अगर आपका ऑब्जेक्ट टू एफ डैश पे हो तो क्या होगा, तो ये स्पेशल केस है जिसमें जो इमेज होती है बिल्कुल उसी साइज की बनती है जिस साइज में आपका ऑब्जेक्ट होता है, ना ही तो डिमिनिश ना ही एनलार्ज्ड, ओके। सो इस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं, ये वाला केस बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, एफ डैश टू एफ डैश एफ एंड टू एफ, सो ऑब्जेक्ट जो आपका है वो यहाँ पे टू एफ डैश यहाँ पे प्लेस्ड है, सो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पहला चीज तो ये, उसके बाद इट विल पास थ्रू फोकस, उसके बाद नेक्स्ट केस क्या है कि अगर इट विल पास थ्रू ऑप्टिकल सेंटर
इट इज मीटिंग हेयर. सो जो आपकी इमेज होगी वो आपको कहाँ मिलेगी, 2F पे मिलेगी, और ए बी और ए डैश और बी डैश का साइज बिल्कुल इक्वल होगा. ठीक है. सो पहली बात, इट विल बी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज. सेकेंड थिंग, इट विल बी इक्वल साइज, इमेज विल बी ऑफ द सेम साइज ऑफ दैट ऑफ ऑब्जेक्ट. सो हम लिखेंगे इक्वल साइज. और कहाँ बनी है आपकी इमेज, एट 2F. ओके. नाउ द लास्ट केस इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन O एंड F. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट केस, क्योंकि जो हमारा स्पेक्टिकल्स जो हम यूज करते हैं ना, वो भी इसी केस को फॉलो करता है. दैट इज वाई वी आर एबल टू सी वर्चुअल एंड इरेक्ट. जैसे जब हम स्पेक्स लगाते हैं तो लोग जैसे खड़े हैं वैसे ही दिखाई देंगे, उल्टे खड़े भी दिखाई नहीं देंगे. ठीक है. तो यही वो केस फॉलो करता है कॉन्वेक्स लेंस. तो बात करते हैं इस केस के बारे में. तो अगेन यहाँ पे आपका कॉन्वेक्स लेंस है. ओके. एंड ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है. तो यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस पास हो रहा है. नाउ दिस इज एफ डैश, दिस इज 2F डैश, देन दिस इज F एंड दिस इज 2F. ओके. सो नाउ द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन O एंड F डैश. तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है. तो पहले रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू फोकस. कितनी बार कर चुके हैं ये तो हम. उसके बाद दूसरी जो लाइन होगी आपकी रे ऑफ लाइट, इट विल पास थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर. और ये इस तरीके से. अब आप देखो यहां मिलने की कोई उम्मीद है नहीं. अब हम क्या करते हैं, इसको एक्सटेंड अगर हम करें तो एक्सटेंड करने पे, इनको जब हम एक्सटेंड करेंगे तो इमेज कहीं आपको यहां मिलेगी. ओके. और इमेज कैसी है, इमेज विल बी वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्निफाइड. तो यहाँ पे इमेज कैसे मिलती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे आप रे ऑफ लाइट को एक्चुअली में आप एक्सटेंड कर रहे हो बैकवर्ड्स इन ऑर्डर टू मेक इट मीट. तो द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट. दूसरी बार जो इमेज होती है वो मैग्निफाइड होती है. दैट इज वाई ये वाला जो केस है ना कॉन्वेक्स लेंस का, ये हम यूज करते हैं मैग्निफाइंग ग्लास के लिए. तो आपने देखा होगा ना कुछ इस तरीके से मैग्निफाइंग ग्लास होता है. अगर हमें कुछ चीज डिटेल बहुत बहुत छोटी कोई चीज़ लिखी हुई है उसको हमें पढ़ना है तो हम मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करते हैं. तो जो लेंस उसमें होता है दैट इज अ कॉन्वेक्स लेंस. ओके. अब हम बात करते हैं कि पोजिशन क्या होगी. सो इट विल बी बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के पीछे इसकी इमेज बनेगी. अगर हम बात करें कि व्हाट आर द सिंपल यूसेस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, तो कॉन्वेक्स लेंस हम स्पेक्टिकल्स में यूज करते हैं. अगर किसी को हाइपरमेट्रोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया मतलब किसी को पास का दिखने में प्रॉब्लम है, तो वो जो लेंस यूज करते हैं ना, जैसे जो लोग बड़े होते हैं, एल्डरली होते हैं, उनको हाइपरमेट्रोपिया होता है, पास का दिखने में प्रॉब्लम होती है, न्यूज़पेपर विदाउट ग्लासेस दे कैन नॉट रीड. तो जो लेंस यूज करते हैं दैट लेंस इज अ कॉन्वेक्स लेंस. दूसरी बात, जो कैमरा होते हैं, सिंपल कैमरा होते हैं, उसमें भी आप कॉन्वेक्स लेंसेज यूज करते हो. मैग्नीफाइंग ग्लासेस होते हैं, उसमें भी आप कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हो. माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, प्रोजेक्टर्स, इन सब में आपका कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है. ठीक है. अब हम बात करते हैं कॉनकेव लेंस क्या होता है. तो कॉनकेव इज एक्चुअली अ डाइवर्जिंग लेंस, जो कुछ इस तरीके से उसकी शेप होती है. तो जो भी रे ऑफ लाइट फॉल करती है कॉनकेव लेंस पे, वो क्या करती है, दे विल डाइवर्ज. तो जो भी रेज ऑफ लाइट फॉल करती है कॉन्वेक्स लेंस पे, वो डाइवर्ज करती है, दे विल सेपरेट आउट. ओके. तो कॉनकेव लेंस के एक्चुअली में ज्यादा कोई डायग्राम है नहीं, क्योंकि कॉनकेव केस में हमेशा आपको वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज मिलती है, नॉट टू दैट इज डिमिनिश्ड. ठीक है. तो अगर हमें इसका केस देखना हो तो यहाँ पे हम ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये अज्यूम करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस है. ठीक है. ऑब्जेक्ट आपका सपोज ये एफ डैश है, ये 2F डैश है, और यहाँ पे ये F है और ये 2F है. ठीक है. सो ऑब्जेक्ट सपोज आपका बियॉन्ड F डैश रखा है, कुछ यहाँ रखा हुआ है, तो पहले रे ऑफ लाइट यहाँ पे आएगी, इंसिडेंट करेगी और डाइवर्ज, दूर भाग जाएगी, इट विल डाइवर्ज इस तरीके से. ठीक है. दूसरी अगर रे ऑफ लाइट जाती है ऑप्टिकल सेंटर से, तो ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है और वैसे ही वैसे वो बाहर निकल जाती है आफ्टर रिफ्रैक्शन. तो यहाँ कहीं मिलने के चांसेस तो है नहीं. तो पर अगर हम इसको ऐसे पीछे एक्सटेंड करें, तो जब हम एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे कहीं मीटिंग हो रही है, तो इस मीटिंग पॉइंट को हम कहेंगे, जो यहाँ पे मीट हो रहा है यहाँ पे आपकी इमेज मिल रही है ए डैश बी डैश. तो जो आपकी ये इमेज मिल रही है ए डैश बी डैश, वो कैसी है, इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट.
ओके, सेकेंड चीज क्या है, इट इज डिमिनिश्ड, छोटी इमेज मिलती है आपको इसमें. एंड थर्ड थिंग इज इट इज फॉर्म्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में इमेज बनेगी. ओके, सो दिस इज हाउ द इमेज इज फॉर्म्ड इन कॉन्केव लेंस. इट इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड इट इज डिमिनिश्ड. और अगर आपका ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो जो आपको इमेज मिलेगी वो तो बहुत ही बहुत ज्यादा छोटी मिलेगी. ओके, अब हम बात करते हैं यूजेस ऑफ अ कॉन्केव लेंस. तो देखो, कॉन्केव लेंस बेसिकली जब हमें दूर का देखने की प्रॉब्लम होती है, वी आर सफरिंग फ्रॉम मायोपिया, इन दैट केस वी मेक यूज ऑफ अ कॉन्केव लेंस. और दूसरी चीज क्या होती है, आपने देखा होगा कि जब यू नो डोर्स पे छोटा सा होल होता है जिसके अंदर एक लेंस होता है, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड स्पाई होल. तो वो जो लेंस होता है दैट इज ऑल्सो अ कॉन्केव लेंस, जो आपको इनेबल करता है कि जो बंदा बाहर है उसको आप देख पाओ, पर उसकी जो इमेज आती है वो वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश छोटी आती है, एंड आपको वाइडर व्यू मिलता है कि उसके आसपास भी क्या है. ठीक है, तो कॉन्केव लेंस इज ऑल्सो यूज इन स्पाई होल्स इन डोर्स. अब क्वेश्चन है, हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स लेंस विदाउट टचिंग. अगर आपको टच नहीं करके पता लगाना है कि कॉन्केव या कॉन्वेक्स लेंस है तो आप कैसे कर सकते हो, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, एंड दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग हियर. तो देखो, कॉन्वेक्स लेंस के केस में हमने पढ़ा था कि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज हो सकती है, और एक ही केस ऐसा है जब आपकी वर्चुअल इरेक्ट इमेज होती है, पर वो कैसी होती है, इट इज इनलार्ज्ड, तभी हम उसको मैग्निफाइंग लेंस की तरह इस्तेमाल करते हैं. और कॉन्केव के केस में हमेशा हमने पढ़ा था कि वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज मिलती है आपको. ठीक है, तो कॉन्वेक्स के केस में आपको वर्चुअल इरेक्ट अगर मिल रही है तो इट विल बी इनलार्ज्ड, और कॉन्केव में अगर वर्चुअल एंड इरेक्ट मिल रही है इट विल बी डिमिनिश्ड. ठीक है, सो इफ यू कीप द लेंस क्लोज टू अ पेज ऑफ अ बुक, आप क्या करो उस लेंस को किसी बुक के पास रखो, सो दैट यू नो जो बुक है वो कहाँ आ जाएगी, बुक एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा जिसकी जो प्लेसमेंट होगी वो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में आ जाएगी. तो जो आपका केस फॉलो होगा वो क्या होगा, या तो आपको वर्चुअल इरेक्ट या इनलार्ज्ड इमेज मिलेगी, या फिर वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड इमेज मिलेगी. तो अगर आपको जो इमेज मिल रही है वो कैसे मिल रही है, इनलार्ज्ड मिल रही है, इसका मतलब है कि जो आपका वो लेंस है वो मैग्नीफाइंग लेंस की तरह बिहेव कर रहा है, एंड दैट्स अ कॉन्वेक्स लेंस. ओके, अगर वो आपको इमेज जो है वो छोटी मिल रही है, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो आपका वो जो लेंस है वो कॉन्केव लेंस है, बिकॉज इट इज गिविंग यू वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज. ओके, सो ये सब था कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस के बारे में. कल हम पढ़ने वाले हैं सम ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चंस ऑन कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स लेंस. ठीक है, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन.